पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हरौंधी प्रखंड की सभी पंचायतों से गांव एवं समूह की उज्ज्वला दीदियों ने अपनी समस्या लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंची। प्रखंड कार्यालय पर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि पूर्व में बिसूत्री कार्यालय के द्वारा पूरे प्रखंड में 40 उज्ज्वला दीदी का चयन कराया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा गैस एजेंसी का पूरा काम वितरण से लेकर गैस उपलब्ध कराने तक का कार्य मिला था, परंतु हम लोगों को किसी के द्वारा कोई भी योजना के लिए पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा जब हम दीदियों की बहाली हुई थी उस समय 4-5 महीनों तक आवास, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, विकलांग पेंशन आदि का सर्वेक्षण भी कराया गया था। हम दीदियों ने पूरे दिन भर लगनता के साथ लगकर कार्य की थी, परंतु आज तक हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। इससे पहले बहाली के समय कहा गया था कि आप लोगों को प्रति माह 2000 दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय के द्वारा इसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग शिकायत के लिए प्रखंड कार्यालय खरौंधी पहुंचे हैं। इधर पूर्व विसूत्री अध्यक्ष विश्वनाथ राम ने बताया कि जब भाजपा सरकार थी तो उसी समय उज्ज्वला दीदी की बहाली किया गया था, परंतु सरकार बदलने के बाद उज्ज्वला दीदियों का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उनसे कोई कार्य कराया जा रहा है और ना ही उनका वेतन दिया जा रहा है। इस मौके पर अरंगी पंचायत से आरती देवी, अनीता देवी, नीलम देवी, कुपा पंचायत से लीलावती देवी, खरौंधी से परमिला देवी, बबीता देवी, मझगावा से तेतरी देवी, बबीता देवी, रेखा देवी, अनीता देवी आदि मौजूद थे।